हमेशा अपने बोल्ड अंदाज से जाने जाने वाली उर्फी जावेद को शायद ये बोल्डनेस ही भारी पड़ गई, क्योंकि पहले तो लोग ही बोलते थे लेकिन अब तो पुलिस की भी इसमें एंट्री हो गई है। दरअसल बीते कई दिनों से उर्फी दुबई में है, वो अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग के सिलसिले में वहां गई है। उर्फी वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, उन्होंने दुबई में रिवीलिंग ड्रेस पहनी तो अभिनेत्री दुबई सरकार के निशाने पर आ गई। उर्फी ने खुद के बनाए हुए आउटफिट में दुबई में अपने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट किया था। दुबई के लोगों को उर्फी की आउटफिट काफी ज्यादा रिवीलिंग लगी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उर्फी को उनके द्वारा बनाए गए आउटफिट के चलते दुबई में हिरासत में लिया गया है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट किया था जो दुबई के हिसाब से काफी ज्यादा बोल्ड था। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ी और लोगों द्वारा भी टिप्पणी की जा रही थी, तो आखिरकार उर्फी मैडम भी इस मामले में सामने आई और उन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या था। उर्फी जावेद का कहना है कि पुलिस सेट पर शूट रोकने आई थी क्योंकि लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमें शूटिंग करने के लिए टाइम लिमिट दी गई थी क्योंकि शूट एक पब्लिक प्लेस पर हो रहा था। प्रोडक्शन टीम ने भी टाइम एक्सटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से हमें वहां से जाना पड़ा। हमने बचा हुआ पार्ट अगले दिन शूट किया तो मामला सुलझ गया था। पुलिस का सेट पर आने और मेरे रिवीलिंग कपड़े पहनने से कोई लेना देना नहीं है। खैर, अब उर्फी ने तो ये बता दिया है, अपना पक्ष भी रख दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो या पुलिस जानती है या फिर उर्फी मैडम। वैसे तो उर्फी और कंट्रोवर्सी एक साथ ही चलती है क्योंकि मैडम किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती है। उर्फी को उनके बोल्ड फैशन सेंस की वजह से कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ट्रोलिंग के बाद उर्फी को रिवीलिंग कपड़े पहनने की वजह से रेप और जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। कई लोग उन पर केस भी फाइल कर चुके हैं, लेकिन उर्फी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही पहनती है जो उन्हें पसंद है। आपको ये भी बता दें कि उर्फी बिग बॉस OTT से चर्चा में आई। शो के बाद अपने अजीबोगरीब कपड़ों को लेकर वो चर्चा में लगातार बनी रही। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दुबई के कानूनों के मुताबिक वहाँ किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बदन पर कम कपड़े पहनने पर सख्त कानूनी पाबंदी है। यहाँ तक कि ऐसा पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में मुकदमा तक चलाए जाने का प्रावधान दुबई के कानून में किया गया है। साथ ही दोष सिद्ध होने पर ऐसे मामले में 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।